नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मंत्रणा कंसल्टिंग में। आजकल हम ये शब्द बहुत सुन रहे हैं, कोच और कोचिंग। आज जानेंगे हमारे विशेषज्ञ श्री राजन सिन्हा, जो हमारे CEO है मंत्रणा कंसल्टिंग के, कि कोचिंग एक्चुअली में होता क्या है। ज़्यादातर लोग जब कोचिंग की बात करते हैं तो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि जैसे स्पोर्ट्स कोच होता है, और वो अपने हिसाब से गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप डिक्शनरी में देखें तो जो कोच की परिभाषा दी होगी उसमें स्पोर्ट्स कोच के हिसाब से दी होती है। जबकि स्पोर्ट्स कोच का काम थोड़ा जो व्यावसायिक कोच है उससे थोड़ा अलग होता है। स्पोर्ट्स कोच प्लानिंग करता है, रिक्रूट कई दफ़े रिक्रूट करता है प्लेयर्स को, उनकी सैलरी तय करता है, साथ में रहता है, जब गेम होता है तो साथ में दौड़ता है, कभी चिल्लाता भी है, मोटिवेट करता है ऑन फील्ड, जो उसके अधिकार क्षेत्र के हिसाब से होता है। जबकि जो व्यवसायिक कोच हैं उनका काम समझने के लिए बेहतर है कि हम कोच जो मूल शब्द है उसको ज़रा ध्यान से देखें। जैसे कि बस का कोच होता है या ट्रेन का कोच होता है, कोच एक व्हीकल है जिसके माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं जी। उसी तरीके से व्यवसायिक कोच का काम है कि लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप उनको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाना जी। इसमें उसको सृजनात्मक तरीके से एक मंथन चिंतन कराना होता है, जिसके आधार पर ये कोची तय करता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। कोच सिर्फ मदद करता है। एक जैसे इंटरनेशनल कोच फेडरेशन है, जो हमने आपको अभी परिभाषा दी, वो इंटरनेशनल कोच फेडरेशन के ही द्वारा दी गई है। तो क्या कोचिंग मेंटरिंग है? मेंटर एक अधिक अनुभवी व्यक्ति का उससे कम अनुभवी व्यक्ति से अपने अनुभव को इस तरीके से बांटना कि जो कम अनुभवी है अपने समस्याओं का या अपेक्षाओं का कुछ हल निकाले। ये मेंटरिंग का जो तरीका है ये लॉन्ग टर्म होता है, कभी कभी ज़िंदगी भर चलता है जी। और इनफॉर्मल होता है। जबकि कोचिंग का जो प्रक्रिया है शॉर्ट टर्म होती है, कुछ हद तक सेमी स्ट्रक्चर्ड या फॉर्मल होती है जी। काउंसलिंग, क्या कोचिंग में काउंसलिंग भी आता है? कोच की भूमिका होती है कि कोची के गोल्स तय कराने में और उसको प्राप्त करने में मदद करे, जबकि काउंसलर समस्या को सुलझाने के लिए होता है। उस काउंसलर की ट्रेनिंग ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि उसको मानसिक स्वास्थ्य, ह्यूमन डेवलपमेंट, सेक्सुअलिटी, फैमिली डायनेमिक्स, उन सब का उसको ट्रेनिंग दी जाती है जी। तो काउंसलिंग का काम विशेषज्ञ का है जी। कोचिंग को क्या हम टीचर भी कह सकते हैं? टीचर का अपना एजेंडा होता है कि ये पढ़ाना है या ये सिखाना है, जबकि कोच का अपना कोई एजेंडा नहीं होता, वो सिर्फ मदद करता है कोची को उसके एजेंडे के अनुसार जी। बहुत से कंसल्टेंट आजकल कोच बन जाते हैं। हाँ, बन सकते हैं, लेकिन कंसल्टेंट और कोच के अलग अलग भूमिकाएं हैं। कंसल्टेंट विशेषज्ञ होता है किसी भी विषय में, जबकि कोच का किसी विषय में विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल कंपनियाँ कोचेस को हायर करती हैं। हाँ, अक्सर आजकल इस बात का चलन चला है। ये ज़रूर है कि कुछ कंपनियाँ ये अपेक्षा करती हैं कि जब वो कोच का नियुक्त करती हैं तो वो इनकी अपेक्षा होती है कि कोच के अलावा आप मेंटरिंग भी करेंगे जी। तो ये तरीके का जैसे वो रस्सी पे चलने वाला एक्सरसाइज होती है, बैलेंस बनाना पड़ता है जी। मेरे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर वो कोच बनना चाहें तो कैसे बन सकते हैं। कोच बनने के लिए प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। जो शीर्ष संस्थाएं हैं जैसे इंटरनेशनल कोच फेडरेशन है, इसका एक तरीके का सिलेबस है कि ये ट्रेनिंग ज़रूरी है।
तो जो उसकी मान्यता प्राप्त संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, वो पहले आपको उसमें ट्रेन करते हैं और कोच होने की प्रैक्टिस कराते हैं कुछ घंटे का, उनका अपना ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर परीक्षा होती है और परीक्षा के बाद ये सर्टिफाई कर देते हैं कि आप कोच बन सकते हैं। जी, अक्सर हम सुनते हैं कोचेज अपने आप को ACC, PCC, MCC कहलाते हैं, उसका क्या मतलब होता है? हाँ, जब आप कोच बन गए हैं तो कितने घंटे का आपने कोचिंग कर ली है और कितनी आपकी योग्यता है, उसके अनुसार ये ICF का एक क्रीडेंशियल प्रक्रिया है कि वो उसके अनुसार ये तय करते हैं कि आप एसोसिएट कोच होंगे या प्रोफेशनल कोच हैं या मास्टर कोच हैं, उनकी अलग अलग उपाधियाँ होती हैं। जी, आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को कुछ सवालों के आज जवाब मिले हैं। शुक्रिया राजन जी आपकी जानकारी। धन्यवाद।